हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? भाई एक बार बताओ मुझे कि क्रिकेट छोड़ के बाकी और किस किस स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है आपको? ओलंपिक शुरू होने वाले हैं यार 27 तारीख से। T20 आई तो है ही है श्रीलंका के खिलाफ, और ODI भी हैं, बट ओलंपिक्स भी तो शुरू होने वाले हैं भैया, तो ओलंपिक्स की तरफ भी तो ध्यान देना पड़ेगा। कितने ही स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं ओलंपिक्स में, आप लोगों का कौन कौन सा फेवरेट है ओलंपिक्स में स्पोर्ट, मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। जहाँ तक दोस्तों इंडिया के ओलंपिक्स में इस बार पार्टिसिपेट करने की बात है, टोटल 117 लोगों की जो है वो टीम जा रही है, प्लेयर्स की 117 प्लेयर्स जा रहे हैं खेलने के लिए, जो कि थर्ड हाईएस्ट है। इससे पहले 119 की टीम गई थी 2016 में, और उसके बाद फिर 2021 में गई थी 118 की टीम, इस बार जा रही है 117 की टीम। एक्चुअली इस बार इसीलिए कम है क्योंकि इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम जो है वो इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाई है ओलंपिक्स के लिए, अदरवाइज नहीं तो इंडिया का इस बार सबसे बड़ा कंटिंजेंट होता। इस बार कम से कम नहीं तो 133 135 के करीब जो है प्लेयर्स होते जो कि ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते। अब ये तो है दोस्तों कि इतने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेडल जीतने के चांसेस कितने लोगों के हैं आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। उससे पहले मैं आपको दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि कितने कितने प्लेयर्स जो हैं किस किस इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। आर्चरी में दोस्तों हमारे पास 6 एथलीट्स हैं, एथलेटिक्स में टोटल 29 जो हैं हमारे प्लेयर्स वो खेलने जा रहे हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगे। बैडमिंटन में 7 हैं, बॉक्सिंग में 6 हैं। इन 6 में आई थिंक सिर्फ एक ही जो है वो मेन है, बाकी 5 जो हैं वो वुमेन हैं। अमित पंगल आई थिंक जो हैं वो इंडियन मेंस टीम में इकलौते हैं, बाकी सारी की सारी वुमेन हैं। तो 3 चीयर्स फॉर वुमेन्स। इसके अलावा इक्वेस्टेरियन में इकलौता पार्टिसिपेंट है दोस्तों, गोल्फ में 4 हैं, हॉकी में 19। भाई वैसे भी आपके जो है वो 11 की टीम होती है तो 19 आपको प्लेयर रखने ही पड़ते हैं। जूडो में आपके जो है एक है, रोइंग में एक है, शूटिंग में, शूटिंग का सबसे बड़ा कंटिंजेंट है दोस्तों 21 प्लेयर्स हैं। स्विमिंग में 2 हैं, सेलिंग में 2 हैं, टेबल टेनिस में 8 हैं, लॉन टेनिस में 3 हैं, वेट लिफ्टिंग में 1 है, और रेसलिंग में 6 हैं। अब इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं दोस्तों जिनमें की सच में उम्मीद है कि इनको मेडल जीतना चाहिए, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। भाई आर्चरी में है हमारे धीरज बॉम्बे देरा, तरुणदीप राय, प्रवीण जाधव और भजन कौर, दीपिका कुमारी और अंकिता भक्त, यानी 3 मेल प्लेयर्स और 3 फीमेल प्लेयर्स। भाई दीपिका कुमारी का आई थिंक ये चौथा या पांचवा जो है ओलंपिक्स है, बट उनसे उम्मीद हमेशा रहती है, वर्ल्ड नंबर 1 भी वो रह चुकी हैं, बट कभी भी ओलंपिक की स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर पाती हैं, तो आर्चरी की टीम से मुझे उम्मीद नहीं है। बहुत बहुत अगर पॉसिबल हुआ, बहुत अच्छा अगर खेल गए तो शायद एक आधा जो है ब्रॉन्ज मेडल इनसे मिल पाए, अदरवाइज आर्चरी की टीम से मुझे उम्मीद नहीं है। दे कैन हैप्पीली सरप्राइज मी टू विन द मेडल। तो मेरे को आर्चरी की टीम से तो अभी बिल्कुल जीरो लगता है, पर जैसा कि मैंने कहा हो सकता है शायद एक कांसा जीत लें वो। इसके बाद आते हैं दोस्तों एथलेटिक्स में, अविनाश साबले 3000 मीटर स्टेपल चेस के बहुत ही माने और मंझे हुए जो हैं वो खिलाड़ी हैं दोस्तों। 3 किलोमीटर की स्टेपल चेस जो हैं वो अपना ये करते हैं। वॉइस आ रही है मेरी दोस्तों? मैं चेक कर रहा था, वॉइस आपके पास ठीक ठीक आ रही है? तो मैं अविनाश साबले की बात कर रहा था दोस्तों आपके पास। अविनाश साबले जो हैं वो इस बार श्योर श्योर मेडल कंटेंडर हैं, और मेरी ऐसी उम्मीद है दोस्तों कि सिल्वर मेडल या फिर वो ब्रॉन्ज मेडल लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी उम्मीद है अगर नंबर वाइज देखें तो वो अविनाश साबले से है, सिल्वर या एक ब्रॉन्ज ये लेके आ सकते हैं। चलिए मैं अभी ब्रॉन्ज के लिए चलता हूँ, कम सोचेंगे और बड़ा अचीव करेंगे। तो एक मेडल पक्का है दोस्तों अविनाश साबले से। उसके बाद सर्वेश कुशारे हाई जंप में है, उम्मीद नहीं है दोस्तों। जैस्विन एल्ड्रिंग लॉन्ग जंप में है, उनसे भी उम्मीद नहीं है। अब्दुल्ला अबू बकर मेंस ट्रिपल जंप, इनसे भी उम्मीद नहीं है दोस्तों। परवल चित्रवाल
मेंस ट्रिपल जंप, इनसे भी उम्मीद नहीं है। तेजेंद्र सिंह तूर, तेजेंद्र पाल सिंह तूर, ये भी दोस्तों आई थिंक इनका पांचवा जो है ओलंपिक्स है मेंस शॉट पुट में, कमी उम्मीद है यार इनसे भी। नहीं, इनसे तेजेंद्र पाल सिंह से भी कोई उम्मीद नहीं। कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में ठीक है, ही कैन विन अ मेडल, बट ओलंपिक्स में नो। उसके बाद आते हैं हम सबके स्टार, नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रोवर। भैया गोल्ड की उम्मीद इस बार भी है, पिछली बार भी लेकर आए थे वो, तो गोल्ड तो आना ही चाहिए इनसे। ला पाते हैं नहीं ला पाते, मेरी पूरी उम्मीद है दोस्तों कि वो गोल्ड लेकर आएंगे। इसके बाद किशोर जाना है दोस्तों, काफ़ी यंग प्लेयर हैं, उनसे उम्मीद कम है। काफ़ी सारे अच्छे प्लेयर्स हैं मेंस जेवलिन थ्रो में ही हैं ये भी, तो इनसे उम्मीद नहीं है। तो दोस्तों अभी तक अपना एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज पक्का हुआ है। गोल्ड अपना नीरज चोपड़ा जी लेके आ रहे हैं। अक्षदीप सिंह है दोस्तों, इसके बाद मेंस 20 मीटर वॉक में, उनसे उम्मीद नहीं है। परमजीत बिष्ट हैं 20 किलोमीटर वॉक में, उनसे भी उम्मीद नहीं है। विकास सिंह से भी उम्मीद नहीं है। मेंस 4x400 रिले, मोहम्मद अनस, मोहम्मद अजमल, अमोल जैकब और बाकी संतोष तमिसलरन, राजेश रमेश, इनकी टीम जो है, इनसे मुझे उम्मीद है दोस्तों कि शायद ये जो है एक ब्रॉन्ज मेडल इंडिया को जिता सके, इनसे उम्मीद है। तो अभी तक हमारे एक गोल्ड और दो ब्रॉन्ज हुए हैं दोस्तों। किरण पहल वुमेन्स 400 मीटर में, उम्मीद नहीं है। अंकिता ध्यानी वुमेन्स 5000 मीटर, अंकिता ध्यानी से भी उम्मीद नहीं है दोस्तों। पारुल चौधरी वुमेन्स 500 मीटर, वुमेन्स 300 मीटर स्टेपल चेज। पारुल चौधरी से दोस्तों मेरे को उम्मीद है कि वो आइदर स्टेपल चेज में या फिर वुमेन्स 5000 में एक ना एक तो हमारे लिए ब्रॉन्ज मेडल लेकर आएंगी। तो एक गोल्ड और तीन ब्रॉन्ज मेडल होते हैं दोस्तों। उसके बाद ज्योति यायरेज यार राजी वुमेन्स 100 मीटर हर्डल, उम्मीद नहीं है। अन्नू रानी वुमेन्स जेवलिन थ्रो, उम्मीद नहीं है। प्रियंका गोस्वामी 20 किलोमीटर रेस वॉक, उम्मीद नहीं है। फिफ्थ या सिक्स पोजीशन पे आ सकती हैं, उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। वुमेन्स 4x400 मीटर दोस्तों रिले की, इन चारों से भी उम्मीद नहीं है दोस्तों मुझे। उसके बाद आती है दोस्तों अपनी मैराथन रेस वॉक मिक्स, सूरज पंवर और प्रियंका गोस्वामी, इसमें भी उम्मीद नहीं है। मेन सिंगल्स में हैं दोस्तों बैडमिंटन में HS प्रणय रॉय और लक्ष्य सेन, इन दोनों में से किसी एक से तो दोस्तों उम्मीद है कि वो एटलीस्ट सेमीफाइनल में पहुंच के इंडिया को ब्रॉन्ज दिला सकते हैं। थोड़ा सा अच्छा कर गए तो सिल्वर मेडल भी लेकर जा सकते हैं, बट कंपटीशन बैडमिंटन में बहुत टफ होता है, स्पेशली मेंस और वुमेंस, खैर दोनों इक्वली होता है क्योंकि चाइना और चाइनीज ताइपे बहुत अच्छी टीम्स हैं। तो एक ब्रॉन्ज मेडल मैं यहाँ से भी उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों। तो एक गोल्ड मेडल और चार मेडल तक पहुँचे हैं हम लोग। सात्विक साईराज, रानी किरण रेड्डी और चिराग शेट्टी, इनसे दोस्तों मुझे गोल्ड मेडल की उम्मीद है। गोल्ड मेडल ना सही, सिल्वर मेडल तो मिनिमम से मिनिमम बनता है इनका। यहाँ पे अपसेट होगा ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा दोस्तों। तो इनसे ना गोल्ड की उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों। तो दो गोल्ड और चार अभी तक ब्रॉन्ज हुए हैं। पीवी संधू वुमेन सिंगल्स ऑलरेडी दो मेडल जीत चुकी हैं, सिल्वर और ब्रॉन्ज जीत चुकी हैं। कोशिश करनी चाहिए इस बार गोल्ड की, बट मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट ब्रॉन्ज तो जीते वो, मुझे ऐसा लगता है कि ब्रॉन्ज ले जाएंगी वो। तो दो गोल्ड और पांच ब्रॉन्ज। इसके बाद आते हैं दोस्तों वुमेन्स डबल, अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रिस्टो, इनसे उम्मीद नहीं है दोस्तों मुझे। बॉक्सिंग पे आते हैं, अमित पंगल शायद सेमीफाइनल में पहुंच के जो है वो ब्रॉन्ज मेडल ले जाए, अदरवाइज उम्मीद नहीं है। मैं अभी के लिए मना ही रहूंगा। निशांत देव मेंस बॉक्सिंग में है दोस्तों। निखत जरीन वुमेन्स 50 kg बॉक्सिंग में है, इनसे मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों। पिछली बार भी ये गई थी तो ये जो है ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई थी, बट इस बार मुझे इनसे गोल्ड की उम्मीद है। गोल्ड ना सही, सिल्वर जरूर मैं इनको देना चाहूंगा, सिल्वर ये जरूर जीत के लाएंगी। तो दो गोल्ड एक सिल्वर और पांच ब्रॉन्ज हो चुके हैं दोस्तों जो मुझे उम्मीद है। प्रीति पवार उम्मीद नहीं है, जैस्मिन लंबोरिया इनसे भी कोई खास उम्मीद नहीं है, लेकिन लवलीना बॉर्गेन, लवलीना बॉर्गेन 75 kg में दोस्तों बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं, पिछली बार क्वार्टर फाइनल में रह गई थी, इस बार उनसे एटलीस्ट ब्रॉन्ज मेडल जीतने की उम्मीद है। तो तीन गोल्ड एक सिल्वर और छह ब्रॉन्ज। उसके बाद दोस्तों इक्विस्टेरियन ड्रेसेज में अंकिता
अंशु अग्रवाल हैं, इनसे उम्मीद नहीं है। गोल्फ में दोस्तों गगनजीत भुल्लर और शुभांकर शर्मा, कोई उम्मीद नहीं है। अदिति अशोक बहुत ही अच्छी प्लेयर हैं। गोल्फ की वुमेन्स में दीक्षा दागर, इनसे भी दोस्तों कॉमनवेल्थ में या एशियन गेम्स में आप उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन ओलंपिक्स में नहीं। हॉकी में टीम इंडिया में दोस्तों उम्मीद नहीं है। पिछली बार उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, बट इस बार उम्मीद नहीं है उनसे। जूडो में तुलिका मान है, काफ़ी रिप्रेजेंट कर चुकी हैं इंडिया को 78+ कैटेगरी में, बट उनसे मेडल की उम्मीद नहीं है दोस्तों। रोइंग में बलराज पवर, उम्मीद नहीं है। विष्णु शरण, सेलिंग में नेत्रा कुमानन, सेलिंग में उनसे भी उम्मीद नहीं है। अब आते हैं दोस्तों शूटिंग, जो कि सबसे बड़ा कंटिजेंट है हमारा। संदीप सिंह मेंस 10 मीटर एयर राइफल और मेंस 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम, उम्मीद नहीं है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह मेंस 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन, इनसे उम्मीद है। बहुत ही मेंटल टफ गेम होता है दोस्तों, 3 मीटर राइफल पोजीशन जो स्पेशली होती है, आपको खड़े होकर लेट कर और नील डाउन कर कर तीनों तरीके से आपको जो है वो शूटिंग करनी होती है। अगर वो अपना मेंटल कैपेबिलिटी बनाकर रख पाए तो श्योर शॉट मेडल जीत सकते हैं। सिल्वर की मैं उम्मीद कर रहा हूँ इनसे, तो 2 गोल्ड 2 सिल्वर और अपने 6 ब्रॉन्ज हो चुके हैं दोस्तों। इसके अलावा स्वप्निल कौशल, उनसे उम्मीद नहीं है। अर्जुन चीमा 10 मीटर राइफल 10 मीटर एयर पिस्टल, कोई उम्मीद नहीं है। सरबजोत सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल 10 मीटर मिक्स टीम, उम्मीद नहीं है। अनीश बनवाल 25 मीटर पिस्टल, उम्मीद नहीं है। विजय वीर साधु 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल, उम्मीद नहीं है। पृथ्वीराज तोंदियामन मेंस ट्रैप, उम्मीद नहीं है। अनंतजीत सिंह नरूका स्कीट्स टीम, उम्मीद नहीं है दोस्तों। इसके बाद आते हैं हम लोग एलिना वलारिन 10 मीटर एयर राइफल 10 मीटर मिक्स राइफल टीम, नहीं उम्मीद। रमिता जिंदल, कोई उम्मीद नहीं। अंजुमन मुदगल, कोई उम्मीद नहीं। सिफ्त कुमार सिमरा से दोस्तों उम्मीद है 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में, वो भी उम्मीद है कांस्य पदक जीत सकती हैं। तो 2 गोल्ड 2 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज। रिदम सांगवान 10 मीटर पिस्टल, उम्मीद नहीं है। मनु भाकर, मनु भाकर दोस्तों बहुत ही अच्छी टैलेंटेड जो हैं, बहुत ही अच्छी प्लेयर हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स और 25 मीटर वुमेन्स पिस्टल, मुझे ऐसी उम्मीद है दोस्तों कि कम से कम 2 मेडल इनको लेकर आने चाहिए, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, इतना मैं इनसे उम्मीद करता हूँ दोस्तों। मनु भाकर से मेरी बहुत उम्मीद है, बहुत ही यंग है, आई थिंक 20-21 साल की हैं सिर्फ, इनसे मेरे को काफ़ी उम्मीद है। तो अब इंडिया की टैली होती है 2, 3 और 7। इसके बाद ईशा सिंह से उम्मीद नहीं है, राजेश कुमारी से उम्मीद नहीं है, श्रेयसी सिंह से उम्मीद नहीं है, राजिया ढिल्लों वुमेन्स कीट में है उनसे उम्मीद नहीं है, महेश्वरी चौहान उनसे भी उम्मीद नहीं है। और उसके बाद है दोस्तों अपना श्रीहरि नटराज 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्विमिंग, हमेशा कंपीट करते हैं दोस्तों, फाइनल तक पहुंचते हैं लेकिन 8वें नंबर पर आते हैं, तो उनसे भी उम्मीद नहीं है। डेंडी दिशुंग वुमेन्स 200 मीटर फाइनल, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। टेबल टेनिस में हरमीत देसाई शरत कमल, अच्छा खेलते हैं दोस्तों बट क्वार्टर फाइनल में जाके बाहर हो जाते हैं, तो इनसे भी उम्मीद नहीं है। मानव ठाकर मेंस टेबल टेनिस टीम्स में है, कोई उम्मीद नहीं है। मनिका बत्रा बहुत अच्छा खेलती थी दोस्तों, अभी भी कॉमनवेल्थ में फिर भी मेडल लेके जा पाती हैं, एशियन गेम्स में मेडल लेके जा पाती हैं, बट ओलंपिक्स में चांस नहीं है। श्रीजा अकुला वुमेन्स टीम और वुमेन्स सिंगल्स में, उनसे भी उम्मीद नहीं है दोस्तों। इसके बाद सुमित नागपाल आते हैं मेंस सिंगल्स में, कुछ खास नहीं कर पाएंगे, सेकेंड या थर्ड राउंड में ही बाहर हो जाएंगे। रोहन बोपन्ना और एल श्रीराम बालाजी मेंस डबल, टेनिस में सबसे बड़ी उम्मीद यही है दोस्तों, यहाँ पे मैं गोल्ड नहीं तो एटलीस्ट सिल्वर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो 2 गोल्ड 3 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज पे पहुंच चुके हैं हम लोग दोस्तों। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में वुमेन्स 49 में, देखिए गोल्ड तो नहीं जीत पाएंगी लेकिन शायद सिल्वर या 1 ब्रॉन्ज जीत पाए, मैं ब्रॉन्ज पे रखूंगा इनको। तो 2 गोल्ड 3 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज पे हम पहुंचेंगे दोस्तों। अमन सहरावत इकलौते मेंस फ्री स्टाइल में है 57 किलोग्राम में, उम्मीद नहीं है। विनीश फोगाट 50 किलो में है, इनसे शायद 1 ब्रॉन्ज मेडल की उम्मीद है। अंशु मलिक, उम्मीद नहीं है। अंतिम पंगल,
इनसे उम्मीद है दोस्तों, हो सकता है शायद कि ये इंडिया को जो है सिल्वर मेडल जिता पाए, गोल्ड शायद ना जिता पाए। तो 2, 4 और 7, निशा दहिया उम्मीद नहीं है, रितिका हुड्डा उम्मीद नहीं है दोस्तों रेसलिंग में। तो ये दोस्तों सारी की सारी जो है कवर करते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, 2 गोल्ड 3 सिल्वर और तकरीबन 7 के करीब आप या 8 के करीब ब्रॉन्ज आप कह सकते हैं कि टीम इंडिया जीत सकती है। देखते हैं कि टीम इंडिया की टैली क्या रहती है। मेरे हिसाब से 2 गोल्ड 3 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज आप लगा लीजिए, तो यानी टीम इंडिया जो है टोटल टोटल 13 मेडल जीतने जा रही है इस ओलंपिक्स में। बाकी अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ये टैली जो है वो इसको बढ़ाकर शायद 17 तक कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। तो मिनिमम में 13 और मैक्सिमम में 17। लेट्स होप कि टीम इंडिया इतने मेडल जीत पाए, इतने की तो उम्मीद है ही यार, 13 से 17 के लिए जो है कर सकते हैं। पोजीशन की बात है जहां तक दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद टीम इंडिया 25th नंबर के आसपास जो है वो फिनिश करेगी 2 गोल्ड के साथ। गोल्ड की अगर संख्या बढ़ती तो शायद टॉप 20 में भी आ सकती थी, लेकिन 2 गोल्ड से ज़्यादा मुझे लगता नहीं है। तो फिंगर्स क्रॉस दोस्तों, भगवान करे कि टीम इंडिया जाके वहाँ पे, ओलंपिक्स की टीम इंडिया वहाँ पे जाके अच्छा परफॉर्म कर सके और हम सभी का नाम रोशन कर सके, ढेरों प्राइज भी मिलेंगे उन्हें। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी दोस्तों, या आपका क्या सोचना है कि कौन सी टीम क्या, कोई भी इंडिविजुअल प्लेयर क्या क्या जीत सकता है, उसके बारे में आप लिखकर मुझे बता सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ, काफ़ी लंबा वीडियो होता हो गया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। किसी प्लेयर के बारे में बताना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जब इंडिया ये मेडल जीत कर आए तो आप लोग पहले से ही बता सकें लोगों को कि भैया अमित ने न्यूज़टी चैनल पर पहले ही बता दिया था कि टीम इंडिया कितने मेडल जीतने वाली है। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।